दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 269 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम बीबी को किसी जगह पे देखते हैं जहां पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है, और जैसे ही ये किसी से कुछ पूछने वाला होता है तभी सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और ये वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे युहाओ पहले लड़ रहा था, और इसके सामने भी वही गोल्डन फिगर होती है। और इस बंदे को यहाँ पे देख के बीबी काफी हैरान होता है और इससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, जिस पर ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे फॉलो करो। और फिर ये बंदा बीबी को अपने साथ लेके एक जगह पे आ जाता है जिसके बाद यह एक घर की तरफ इशारा करता है। तो इस चीज को देख के बीबी मन में कहता है वैसे तो यह उस तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या इसका कहने का मतलब यह है मैं अंदर चला जाऊं, और चलो चल के देखते हैं कि आखिर अंदर ऐसा भी क्या है। जिसके बाद बीबी अंदर आ जाता है और जैसे ही ये इस रूम के अंदर आता है तो यह अपने सामने टांडिया को पाता है जो कि चुपचाप गुमसुम बैठी होती है, और इसे देख के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी खुश होते हुए इससे गले लगने के लिए इसकी तरफ भागने लगता है। और जैसे यह उसे छूने की कोशिश करता है तो यह उसके आर पार निकल आता है, और इस चीज को देख के ये खुद भी काफी हैरान होता है और ये रोते हुए कहता है आखिर मैं क्यों इसे छू नहीं सकता हूँ। और तभी अचानक से बीबी की आसपास की सारी चीजें गायब हो जाती है और यह वापस से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे इससे पहले वो गोल्डन बंदा मिला था, और यह टांगिया को देख के रोने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है। जिसके बाद हमें सनमून एम्पायर के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह पे सही तो टैलीप होके आ गया होता है, और यह इस जगह को देख के कहता है आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया, और ये जगह तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। और तभी यहाँ पे कोई व्हीलचेयर से चल के आता है और यह और कोई नहीं जति आरनन होता है, और यह यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स के साथ आया होता है, लेकिन इसके आने से पहले सैतो यहाँ पे छिप गया था। और तभी यहाँ पे आने के बाद जुति आरन कहता है बाहर आ जाओ, और इस चीज को सुन के सैतो भी काफी गुस्से में इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, और जुति आरन इससे कहता है जूही देखो हम दोबारा से मिल गए और मुझे सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अब भी कोई बच गया होगा, और इस पूरे समय के दौरान अभी तक तुम कैसे थे, और एक ब्रदर के रूप में मैं सच में तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। और जूती आरन की इन बातों को सुनकर भाई साहब सैतो को काफी तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर चार्ज करते हुए कहता है जतिया हरन मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ। और जब जूती आरन सैतो को इतनी खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये बस अपने हाथ के एक ही इशारे से सैतो के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता, लेकिन उतने में ही सैतो की काफी बुरी हालत हो जाती है और ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और ज्योति आरन इससे कहता है तुम सिर्फ अकेले मेरा क्या ही कर लोगे, और क्या तुम सच में अब भी मुझसे बदला लेना चाहते हो, और वैसे भी अब तो पूरा सनमून एम्पायर मेरी मुट्ठी में है, और जब मेरे फादर ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म किया था तो मुझे वो नजारा अब भी क्लियरली याद है जब तुम्हारी सिस्टर को वो स्पीयर मारा गया था, और तब उस बेचारी की छोटी सी आंखों में कितना ज्यादा दर्द दिख रहा था, और सच में उसके साथ तो काफी बुरा हुआ, लेकिन आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, और तुम एक बड़े भाई के रूप में कुछ भी नहीं कर सके, और सच में तुम्हारे पास तो एबिलिटी भी नहीं है, और ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए जीना तो मौत से भी ज्यादा बदतर है, और अभी तक तुम्हारा इतने सारी नफरत के साथ जीना काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा, और तुम्हारे फादर तो सच में काबिल इंसान नहीं थे, और वो तो बस ओरिजिनल एग्रीमेंट पे ही अड़े हुए थे, और वो लगातार सनमून एम्पायर को डेवलप करने से भी इनकार करते रहे, इसलिए वह एम्परर की पोजीशन पर बैठने के भी काबिल नहीं थे। और जब जूती हरन ये सारी बातें सहितों से कह रहा होता है तब केटाओ वापस से खड़ा हो जाता है और ये इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है, तो जूती आरन भी इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये कहता है फ्यूचर का जो डोलो कॉन्टिनेंट है वो जूती आरन से ही बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हारी यहाँ पे किसी को भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और इतना के कि ये काफी खतरनाक तरीके से सैतो के ऊपर अपनी पावर्स इसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से सैतो की काफी बुरी हालत हो जाती है और यह अपने घुटनों पे आ जाता है, लेकिन तभी सैतो और जूती आरन के बीच में सीओ आ जाती है और यह कहती है नहीं मैं तुम्हें इसे किसी भी हालत में हट नहीं करने दूंगी, और सीओ अपनी सारी सोल रिंग्स को निकाल के पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इस चीज को देख के सही तो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि जूती आरन के जो चमचे होते हैं वो 9 सोल रिंग्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं,
और तभी सीओ अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक काफी ज्यादा विशाल कोल ड्रोन को समन करती है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और सीओ ने काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके यहाँ पे तबाही मचा दी होती है। और फिर यह रोते सहितो से कहती है, सहितो आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो, और तुम्हारे अंदर तो इतनी ज्यादा नफरत है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, और क्यों मेरे साथ इन सारी चीजों को शेयर नहीं किया। तो सही तो इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सीओ इसे इडियट कहती है, यहाँ तक कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो, और यहाँ तक कि अगर तुम रोमांटिक भी नहीं हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का डिसाइड किया था, तो तुम्हारी जो हैप्पीनेस है और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा भी है। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग कियर और वांग डोंगर होते हैं, जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, यहाँ पे तुम्हारा डीप एडवेंचर शुरू होता है और यह एक प्यार की जंग है, तो जो कोई भी इस बैटल को जीतेगा वही वो युहाओ को भी जीतेगा। जिस पर डोंगर कहती है, आखिर कैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स वायलेंस से सॉल्व हो सकती है। जिस पर यह बंदा कहता है, पावर ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और यहाँ से सिर्फ एक ही पसंद जिंदा जा सकता है, इसलिए जो कोई भी जीतेगा सिर्फ उसे ही युहाओ के साथ रहने का हक मिलेगा। और यहाँ पे तुम लोग हजारों आइसबर्ग से घिरे हुए हो, तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। और फिर इनमें से एक कहती है, क्या सच में यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक शांति बनी रहती है। और फिर थोड़ी देर से डोंगर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिस पर वैंग की वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो डोंगर खुश होते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी खतरे में हैं, और यहाँ तक कि वैसे यह एक डेथ टेस्ट या फिर कुछ और, लेकिन इंसानों के लिए हर एक समझौता फीलिंग से भरा होता है, और जब तक कि तुम अपनी फीलिंग लेस नहीं किया जाएगा। तो वैंग की वो डोंगर से पूछती है, तो आखिर हम कैसे यहाँ से बाहर जाएंगे। जिस पर डोंगर कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्या तुमने नोटिस किया था कि युहाओ कहाँ गया था। जिसके बाद हमें चॉइस दी गई कि हम में से विजेता कौन होगा, ये थोड़ा सा अजीब है ना। जिस पर वैंग कीवर कहती है, तुम तो काफी साहसी हो। जिस पर डोंगर कहे, इसमें प्राउड करने जैसा कुछ नहीं है और ना ही इसमें शो ऑफ करने की जरूरत है, लेकिन मुझे बस उस पर विश्वास है। और इस चीज को सुन के वैंग कीवर थोड़ी हैरान होती है। जिस पर डोंगर कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तो वैंग कियोआ कहती है, शायद तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है, और शायद इसी वजह से मैं अपने आप को उसके दिल के अंदर तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस पर डोंगर कहती है, मुझे तो नहीं लगता, और हम दोनों के बीच में तो बस एक छोटा सा ही अंतर है कि हम दोनों में से पहले कौन आया था। सिस्टर किया, तुम जितनी बढ़िया अगर उस हिसाब से देखे तो यह अगर तुम्हें पहले से जानता होता तो शायद वह तुम में इंटरेस्टेड होता। जिसके बाद वैंग कियोआ मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं तुम नहीं समझती हो। और फिर भाई साहब वैंग कियोआ काफी इविल तरीके से कहती है, मुझे ही यह पहले नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं उससे पहले किसी और अपियरेंस के साथ मिलती तो शायद मेरे पास अब भी एक मौका होता, लेकिन आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बिना सेम ब्लड लाइन के एक जैसे दिख सकते हैं। और वैंग कियोआ को इतने गुस्से में इस तरीके से बोलता देख डोंगर भी काफी हैरान होती है, और यह कहती है, सिस्टर वैंग कियोआ, आखिर मैं तुम्हारी बातों को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, और आखिर आपका इससे क्या मतलब है। तो वैंग कियोआ काफी गुस्से में कहती है, मेरा जो अपियरेंस है वो ओरिजिनली तुमसे ही आया है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए उसके दिल की गहराइयों में जो झलक है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा प्यारी है, उससे ही आया है, और इसी वजह से मैंने अपने आप को उसके सामने इसी तरीके से दिखने दिया। हालांकि मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रोजेक्शन उसके मन में है वो अपीयरेंस बेसिकली तब का है जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो डोंगर कहती है, वैंग कियो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और क्या तुम्हारा अभी का ये जो अपीयरेंस है वो फेक है, और तुम तो काफी लंबे समय से मुझ पर शक भी कर रही हो, और असल में इसे गलत नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे तो सही कहना चाहिए, और बात बस इतनी सी है कि ये अपीयरेंस बस मुझे अकेले को ही मिला है। और क्या तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अचानक से मैं एक बारी के लिए सेल्फिश हो जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार देती हूँ तो फ्यूचर में कम से कम मेरे पास एक मौका तो होगा, और फ्यूचर में शायद मैं कड़ी मेहनत करूँ जिससे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और वो मुझे मिल जाए। और डोंगर मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे तब सच में उससे प्यार हो गया था जब वो किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार था बस तुम्हारे लिए, और यहाँ तक कि वो तुम्हें बचाने के लिए तो हॉट वाटर को भी निगल गया था। और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी हिडन इलनेस को हटाने के बाद असल में वो तो मर गया था, लेकिन उस समय मैं ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी,
और वहाँ पे मैंने अपने ब्लड को इस्तेमाल किया था हॉट यंग फ्लावर को लेने के लिए, जिससे कि मैं इसे उसे दे सकूँ। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जिंदा तुमसे मिलने आ पाता? और असल में तो वो उसी समय मर गया था, लेकिन अभी यह जो जिंदा है, तो ये जिंदगी मैंने ही उसे दी है, तो उसे तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। और इतना कहने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक शांति रहती है और फिर डोंगर थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू और थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे बिना वह मेरे लिए मर जाता। और मेरी सिर्फ एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो उसे कभी भी मत बताना कि मैं कैसे मरी, और बस उसे यही सोचने देना कि मैं कहीं गायब हो गई, जिससे कि उसका कम से कम दिल तो नहीं टूटेगा। और फ्यूचर में अच्छे से उससे प्यार करना, और उसका प्यार भी तुम अपने लिए बढ़ने देना। हम देखते हैं कि वांग डोंगर वांग क्यूआ के आगे झुकी हुई होती है और यह कहती है, वांग क्यूआ, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम जीत जाती हो तो तुम हमेशा के लिए मेरी जगह ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी मौत से उदास हो। जिस पर वांग क्यूआ कहती है, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि सिर्फ एक ही बार हो सकती है, और उससे भी बढ़कर कि तुम हो और मैं हूँ, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करे। और फिर डोंगर कहती है, ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम उसे बता देना कि मैं कैसे मरी, तो इस तरीके से कम कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार करो, जिससे कि जो वो प्यार मुझे करता था वो तुम्हें करने लगे। और डोंगर की इन बातों को सुन के वांग क्यूआ को काफी खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है, और ये चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम अचानक से यह सारी बकवास क्यों करने लगी हो? क्या तुम मेरे दृढ़ निश्चय को तोड़ना चाहती हो? और फिर ये तुरंत ही वांग डोंगर के ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पियर से अटैक कर देती है, और वांग क्यूआ को गोल्डन ड्रैगन स्पियर के साथ इस तरीके से अटैक करता देख डोंगर तुरंत ही इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है, और काफी सारे फायर अटैक भी करती है गोल्डन ड्रैगन स्पियर के ऊपर, लेकिन ये स्पियर तब भी नहीं रुकता है, और ये स्पियर सीधे जाके वांग डोंगर के चेस्ट में घुस जाता है। और इस चीज को देख के वांग क्यूआ भी काफी हैरान होती है, और ये कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी पावर के हिसाब से जाहिर सी बात है कि तुम इसे अवॉइड कर सकती थी। तो डोंगर कहती है, इस अटैक को लेकर मैं बस तुम्हारी काइंस का एहसान चुका रही हूँ, जो तुमने युहाओ की जान बचाई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी ताकत के साथ लड़ूंगी, और चलो वांग क्यूआ तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और इतना कह के वांग डोंगर काफी सारी बटरफ्लाइज में बदल जाती है और चारों तरफ उड़ने लगती है, और डोंगर वांग को चारों तरफ से रते हुए कहती है, मैं अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। तो वांग क्यूआ अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आखिर मैं कौन सा तुम पर रहम दिखाने वाली हूँ। और इतना कह के वांग क्यूआ गोल्डन ड्रैगन से वांग डोंगर की बटरफ्लाइज के ऊपर अटैक कर देती है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।